हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके एमडी में, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे जीके क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के समय बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी? तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए चूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया कराकर, डी H.SO से क्रिया कराकर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जलाकर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घट जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षण होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर के लिए विकल्प है ए लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती रहती है, सी पारा पानी पर तैरता रहता है, डी पारे में लोहा तैरता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पारा पानी में तैरता रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए डी, बी ए, सी सी, डी बी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी सी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए अल्ट्रा वायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए मोनोनाइट, बी एंथ्रोसाइट, सी बॉक्साइट, डी एथोरियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बॉक्साइट से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कैलोरी की मापन इकाई है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऊष्मा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन सूर्योदय होते समय वे डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर के लिए विकल्प है ए विकिरण के कारण, बी जल वाष्प के कारण, सी धूल के कण के कारण, डी प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।